भक्ति और आस्था से सराबोर व्रत है छठ, जहां सूर्यदेव के साथ प्रकृति की पूजा सर्वोपरि होती है और संतान के मंगल कामना और दीर्घायु होने की कामना की जाती है। अगर आप छठ का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरी हो सकती है आपकी मनोकामना। कैसे? छठ में केवल सूर्य को अंतिम अर्घ देकर आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कारण से सूर्य की उपासना से व्यक्ति के जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, धार्मिक दृष्टिकोण से अनेकों लाभ मिलते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभ कम नहीं है। शरीर में ऊर्जा के संतुलन के लिए सूर्य उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जब हम छठ पर्व में आधा शरीर जल में रख करके सूर्य देव को जल देते हैं तो शरीर में एक प्रक्रिया होती है टॉक्सिफिकेशन की, जो शरीर में नकारात्मक तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर में संतुलन की स्थिति बन जाती है। साथ ही साथ स्नायु तंत्र सक्रिय होते हैं, दिमाग के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जिन लोगों को संतान न हो रही हो उन्हें छठ व्रत अद्भुत लाभ देता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी ये व्रत शुभ फल देता है। छठ व्रत से कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या खत्म होती है। जिनके कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो उन्हें ये व्रत चमत्कारी फल देता है। पूर्व जगना ही होगा, क्योंकि चार दिन का व्रत है तो चारों दिन सूर्योदय से पूर्व जगें। जो लोग व्रती महिलाएं हैं, व्रत करती हैं, नहाने के बाद नारंगी सिंदूर लगाएं, लाल लगाने से बचें। टोकरी जो प्रयोग करें वो फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें परिवार में संगठित होकर के इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत समाज में संगठन लाता है, परिवार में संगठन लाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा में पूजी जाने वाली छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को छह भागों में विभाजित कर लिया था और इस छठे अंश को मातृ देवी या देव सेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद छठवें दिन जिस माता की पूजा की जाती है वो यही षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी की आराधना करने पर बच्चे को आरोग्य सफलता का आशीर्वाद मिलता है। चलने वाले छठ पर्व में कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं और कई पूजा सामग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन घाट ले जाने के लिए तैयार किए जाने वाले सूप और डलिया का छठ पर्व में विशेष महत्व होता है। इनके बिना छठ पूजा अधूरी होती है। इसमें छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ से लेकर कई तरह के फल और चीजें शामिल होती हैं।